अष्टावक्र गीता अध्याय 19वां। राजा जनक कहते हैं, तत्व विज्ञान की चिमटी द्वारा विभिन्न प्रकार के सुझावों रूपी कांटों को मेरे द्वारा हृदय के आंतरिक भागों से निकाला गया। अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या धर्म है और क्या काम है, क्या अर्थ है और क्या विवेक है, क्या द्वैत है और क्या अद्वैत है। अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या अतीत है और क्या भविष्य है और क्या वर्तमान ही है, क्या देश है और क्या काल है। अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या आत्मा है और क्या अनात्मा है, तथा क्या शुभ और क्या अशुभ है, क्या विचार युक्त होना है और क्या निर्विचार होना है। अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या स्वप्न है और क्या सुषुप्ति है, तथा क्या जागरण है और क्या तुरीय अवस्था है, अथवा क्या भय ही है। अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या दूर है और क्या पास है, तथा क्या बाह्य है और क्या आंतरिक है, क्या स्थूल है और क्या सूक्ष्म है। अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या मृत्यु है और क्या जीवन है, तथा क्या लौकिक है और क्या पारलौकिक है, क्या लय है और क्या समाधि है। अपनी आत्मा में नित्य स्थित मेरे लिए जीवन के तीन उद्देश्य निरर्थक है, योग पर चर्चा अनावश्यक है और विज्ञान का वर्णन अनावश्यक है। अध्याय 19वां समाप्त।